तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है रॉन टू स्क्वायर, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने रॉन टू स्क्वायर के बारे में मेरा लगभग ये 5 से 3 से 4 वीडियो हो चुका है, तो आप जब मेरे इसमें जाओगे तो आपको और भी मिल जाएगा वीडियो रॉन टू स्क्वायर का, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। मैं जो इसके बारे में बताने वाला हूँ बिल्कुल वो यूनिक है, अभी तक किसी ने शायद नहीं बताया होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जिसमें कुछ आपको डिवाइड वाइड करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा पीस काटना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है इसी तरह का एक शीट ले लेना है, और यहाँ पे करना क्या है आपको, अभी मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ फटाक से कि किस तरह का बनने वाला है ये। यहाँ पे आपको लेना है एक ऐसा लाइन खींचना है, ओके। और फ्लांज के लिए आपको जितना भी रखना हो, मैं यहाँ पे फिलहाल 10 mm ले लेता हूँ फ्लांज के लिए। यहाँ पे मैं फ्लांज के लिए ले लेता हूँ फिलहाल। सबसे पहले खाली इस तरह का आपको टेम्पलेट बनाना है, और ये जो मेरा साइज है आप देख सकते हो यहाँ पे 80 mm इक्वल 80 mm और 50 mm का राउंड टू स्क्वायर का जो डाया है, ठीक है। तो उसका करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर रिड्यूसर बनाना है जो कि 80 है, तो यहाँ पे 40 40 लेना है दोनों साइड। तो मैं यहाँ पे 40 मतलब 80 हो जाएगा, यहाँ पे एक 40 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये 40 आया है, और इसको मैं राइट एंगल ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मेरा फलांच है नीचे वाला, एकदम सिंपल सा राउंड टू स्क्वायर है। अभी तक आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा ये तरीका, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है। शायद किसी ने बताया होगा, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि नहीं बताया होगा। ये हो चुका है, अभी मेरा लेंथ है जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे 50 mm में, 50 mm मतलब। यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा लेंथ ज़्यादा रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उतना स्पेस है। मैं 60 mm ले लेता हूँ, और एक लाइन ले लेता हूँ चीरा मारने के लिए। तो ये हो गया मेरा, इसको मैं एक राइट एंगल खींच लेता हूँ, ओके। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये राउंड टू मतलब ये जो ये मेरा हो गया 80 mm का, अब यहाँ पे जो 50 mm है इसका आपको पॉइंट निकालना है, तो मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो राउंड डक्टिंग का जो फॉर्मूला होता है मतलब 3.14 वही करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे 50 mm मैं ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 3.14। इसको जब आप इस तरह करोगे तो ये बराबर आएगा आपका 157, ठीक है। इसको आपको डिवाइड कर लेना है इस तरह, मतलब आपका ये आ जाएगा इतना इसका लपेट, ठीक है, 50 mm जो मेरा डाया है इसका। अब आपको करना क्या है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 157, इसको डिवाइड आप जब करोगे 4 पार्ट में, आपके पास जिस हिसाब से भी सुविधा रहे करने का, कैलसी रहे या फिर मोबाइल से कर लेना। तो आप इसको जब 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 40 mm आएगा, ठीक है, 40 mm का एक पार्ट आएगा। ये तो सिंपल सा सवाल है, सबको समझ में आ जाता है कि जब मैं 157 को 4 आदमी में डिवाइड करूंगा या 4 पार्ट में, तो वो 40 mm आता है, ठीक है। आप भी इस तरह कर लेना, ठीक है, 40 mm आया। अब आपको करना क्या है, ये जो मैंने हाइट लिया है ये वाला, यहाँ से देख सकते हो 60 mm का, वो जो मैं लेता है 50 लिखा हूँ लेकिन मैं 60 लिया हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, तो ये 40 आया। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको रखना है और 20 इधर और 20 इधर लेना है आपको, ये जो 40 mm आया था, ठीक है। इस तरह लेने के बाद करना क्या है आपको, सिंपल सा ये लाइन को इस तरह क्रॉस करना है, ये लाइन जहाँ पे भी जाए उसको आपको नहीं देखना है, क्रॉस करना है बिल्कुल इसको सिर्फ। तो यहाँ पे मैं खींच के दिखा देता हूँ आपको कहाँ जा रहा है ये लाइन। तो ये लाइन मेरा इस तरह यहाँ पे आया, और दूसरा वाला यहाँ पे आया मेरा। बिल्कुल यूनिक तरीका है, आप लोग को शायद मिलेगा देखने को, और बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया। ये हो गया, ये मेरा आया है सेंटरेंस पॉइंट है ये वाला, ओके। अब आपको करना क्या है, आप तो जब इसको सीट पे बनाओगे तो आपके पास मेजर टेप रहेगा, या इंची टेप जिसको बोलते, या इंची टेप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद करना क्या है आपको, एक प्रकार बनाना है या कंपास बनाना है, वो किस हिसाब से बनाना है, ये और ये दोनों की दूरी को नाप के बनाना है। ये सेंटर का दूरी नहीं नापना है, सिर्फ ये पॉइंट से ये पॉइंट नापना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको नाप के दिखा देता हूँ कितना आ रहा है ये। तो ये देख सकते हैं मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आया है, ठीक है। ये इस तरह इसको रेडियस कर देना है, ओके, बस इतना ही करना है। अब मैं इसको आगे करके दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। ये मेरा हो चुका है,
अभी इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि ये किस तरह का बनेगा इसको काटने के बाद। यहाँ पे मैंने राइट एंगल रखा है प्लांटर के लिए, आपको जो भी रखना हो रख लेना, मैंने 10 mm रखा है सिर्फ। तो ये किस तरह बनता है, एकदम सिंपल सा तरीका है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं इसको काट के आपको दिखा देता हूँ आपके सामने। आप इसको अगर रेडियस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये वाला जो रेडियस मैंने लिया है, लेकिन ये ले लेने के बाद आपका 100% क्वालिटी में पीस आएगा, नहीं तो वो डरे भी बनता है। ये आप वहाँ पे बनाओगे जहाँ पे आपको टाइम नहीं रहता है, फटाक से बना के देने का रहता है, वहाँ पे चलता है ये सब पीस, सुविधा के ऊपर है ये। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है मेरा 80 mm है, ये वाला साइज, ये देखो ये 80 mm हो गया। अभी करना क्या है आपको, सिंपल सा ये जो मेरे पास बुक है ये मैं इसके हिसाब से ही ले लेता हूँ। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो इसका आपको 4 मार्किंग लेना है। तो मैं अभी लेके दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ से कहाँ जाने वाला है ये। तो सबसे पहले मैं बुक का सेंटर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बुक का सेंटर कर लिया। आपके पास जिस हिसाब से भी सीट रहे आपको उस हिसाब से रख लेना है, मैं आपको ये नहीं करूँगा कि आप इतना ही लेना। यहाँ पे सिर्फ आपको एक सेंटर लाइन खींचना है और इसको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लेना है, ठीक है। ये मैं अभी मार्किंग लेके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बन चुका है। अब करना क्या है, और एक पार्ट यहाँ पे लेना है इसी तरह आपको, और यहाँ पे अपने आप उसका 0-0 पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रखना है आपको और इसी तरह रेडियस कर देना है, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पार्ट ले लिया, दो पार्ट ले लिया, और एक पार्ट और यहाँ पे ले लेता हूँ अभी आप लोग के सामने ही। एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ये मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल नया ट्रिक है और एकदम आसान तरीका भी है। तो इसको इस तरह मार्किंग करना है आपको 4 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है इस तरह आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा कितना पार्ट हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा राइट एंगल खींच लेता हूँ इससे, वन टू थ्री, 3 पार्ट मेरा हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ये मेन चीज़ है। तो ये मैं एक ही पार्ट में बना रहा हूँ, अगर आपको हाफ पार्ट में बनाना होता, मतलब 2 पार्ट में, तो आप यहाँ से सेंटर कर लोगे और यहाँ से भी सेंटर कर लोगे तो भी चल जाता है, ठीक है, मुश्किल नहीं। लेकिन मैं इसको 1 पार्ट में बना रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पे इसको रखना है, यहाँ पे मार्किंग लेना है इस तरह, और ये सेंटर पॉइंटर ले लेना है इसका यहाँ पे, और इधर भी सेंटर पॉइंटर लेना है आपको ये वाला, और यहाँ पे मार्किंग कर देना है आपको। और उसके बाद करना क्या है, इसको एक यहाँ से आपको राइट एंगल खींच लेना है इस तरह से। तो मतलब ये देख सकते हो 1, 2, 3 और ये हाफ पार्ट। इसी तरह इधर भी मैं लेके आपको दिखा देता हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका से मैंने 1 पार्ट में राउंड 2 स्क्वायर बना दिया है। बहुत से दोस्तों का रिक्वायरमेंट, ये कमेंट था कि प्लीज़ भाई 1 पार्ट में बना के दिखाओ। ये तो मेरा बन चुका है। अब आपका सवाल ये होगा कि मतलब इसको जो है कि कट किस तरह लगाया जाए, तो उसके बाद तो दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीका से मैंने आपको बना के दिखा दिया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3। हाँ, अभी आपको क्या रह गया, कट रह गया। तो आप जब ये बना लोगे तो आपको उम्मीद है कि इतना तो आपके पास रहेगा, मतलब समझदारी या जो भी जानकारी, या आप ये कट ऑटोमेटिक यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो इस तरह लाइन आ जाएगा यहाँ से। अभी मैं नहीं खींचूँगा लेकिन इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको काट के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह बनने वाला है। और यहाँ पर मैंने फलांचे भी लिया है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं फलांचे के लिए कि ये फलांचे किस तरह आया है मेरा, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम इजी, और मेरा वीडियो लगभग 10 मिनट के अंदर बन गया। तो आपका पीस भी इतना ही टाइम में बन जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक जो भी साइज रहे आपका, अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे आपका साइज जो है ये 80 mm by 80 mm नहीं रहेगा, अगर आपका साइज यहाँ पे 100 रहे, 200 रहे, तो आपको इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग को, क्योंकि अभी एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाता है, नहीं बता पाता हूँ। तो आप जब आपका साइज अलग रहेगा
तब ये वाला आप मैं मत काटना, नहीं तो आपका साइज जो है गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा प्लीज़। और ये वीडियो में इतना ही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो साइज़ जब आपका चेंजेस होगा ना, 80 mm x 80 है इधर 100 रहेगा, तो आपको ये किस तरह काटना है मैं वो अगली वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह का नॉलेज वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक करके एक कॉमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं मेरा हौसला जो है बना रहे और आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आता रहूँ। मिलते हैं अगले, अभी मैं इसको काट के आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपसे अलविदा लूँगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको काट के दिखा देता हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना लिया है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ये मतलब चार पार्ट में मैंने किया ना, आपको क्या करना है, एक बार ये जो डिवाइड करके 157 आता है, आपको यहाँ से इसको गिन भी लेना है, मतलब मेजरमेंट कर लेना है कि बराबर आया है कि नहीं आया है। क्योंकि मैंने जो किया वो तो परफेक्ट है ही 100%, फिर भी आपको यहाँ पे मेजरमेंट निकाला है, मतलब टेप से या किसी चीज से भी निकाल लेना है कि बराबर आया है कि नहीं आया। तो ये मेरा फलांच है, ये पार्ट है। अभी मैं इसको कट लगा के दिखा देता हूँ आपके सामने, कट किस तरह लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मार्किंग ले लेना। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेंटर पॉइंट लेके एक दो कट थोड़ा, ये मैंने कट वाला वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है, आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप जाके मेरे इसमें भी जाके देख सकते हो। जब विजिट करोगे आप वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे वीडियो दिख जाएगा और सारा बहुत सारा। तो मैं इसको कट मार के दिखा देता हूँ आप लोग को, आप लोग बने रहिए मेरे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा राउंड टू स्क्वायर बन चुका है, और बिल्कुल सिंपल तरीका से बना है, इसमें कुछ झंझट भी नहीं है। आपको वो भी तरीका मैं बता दूंगा कल, जबकि साइज ये अभी मेरा सेम था तो एक टेम्पलेट में आ गया। अगर आपका साइज अलग अलग रहेगा तो कैसा आने वाला है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा प्लांट आ चुका है, अभी मैं इसको आपको रेडी करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इससे अच्छा शायद ही आपको कोई बता पाएगा। और बिल्कुल मैं अपनी जबान में समझा रहा हूँ, बिल्कुल कुछ ज़्यादा मैं उर्दू भी नहीं झाड़ रहा हूँ, जो हो रहा है वही मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देख सकते हैं यहाँ पे कितना एकदम 0-0 बन चुका है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत लोग बताते हैं बहुत तरीके से, ये बिल्कुल कोई नहीं बताया होगा आपको। ये मेरा यूनिक कंटेंट है बिल्कुल। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी मैं इसको जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये इस तरह बन के रेडी हो चुका है, आप एकदम बिल्कुल इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आप सब इसी तरह का पीस बनाओ, सिर्फ आपको जब साइज़ चेंजेस होगा तभी आप कुछ कर लेना, नहीं तो इससे ईजी और इससे फास्ट है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ पीस बन सकता है, क्योंकि मशीन भी इसके आगे फेल है इस ट्रिक के आगे। ये राउंड टू स्क्वायर के आगे ये मशीन आपको बना के नहीं देगा, मशीन आपको वही मार्किंग करके देगा, कट मार के देगा। उसमें थोड़ा सा फिर भी डाउट रह जाता है। इसमें आप देखोगे कि बिल्कुल एकदम 0-0 जो आता है वो इसमें आया है, यहाँ पे देख सकते हो 50 mm। हाथ पे तो थोड़ा वो डाउट भी मतलब हो जाता है पॉइंट निकालने में, ऊपर नीचे लाइन हो जाता है। अभी मैं इसको क्या बताऊँ आपको, कितना आसान तरीका है, यहाँ पे देख सकते हो। और अभी मैं इसको फलांचे भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ, मैंने फलांचे 10 mm लिया था तो वो किस तरह आने वाला है वो भी बता देता हूँ आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने फलांचे भी निकाल लिया है 10-10 mm। आपको जिस हिसाब से रखना हो आप, नहीं तो आप एंगल फ्रेम लगा लेना, जो भी लगाना हो आप अपने ऊपर रख लेना। मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि किस तरह रखना है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, ये मतलब समझाने के लिए बनाया हूँ। देख सकते हो इसमें बिल्कुल डाउट ही नहीं रहता कुछ, ये मेरा 80-80 mm साइज आ गया। इसमें वो डायग्राम बनाओ, मार्किंग मारो, ये वो करने का इसमें झंझट ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इस तरह का सेंटर टेपर आपको करना है, ये जो मैंने किया था, और इसको 4 बार मारना है। अब 5 बार या 4 पार्ट बिल्कुल मारोगे तो आपको ये क्या होगा पता है, ये जो मेरा यहाँ पे कोर आया है ना, ये संदा सेंटर में, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बन जाता है वो भी, बट इसलिए मैंने हाफ हाफ किया था यहाँ पे। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट 4 पार्ट मार के काट सकता था, उसमें और भी फास्ट होता था, लेकिन ये ज्वाइंट यहाँ पे आने के बाद बराबर नहीं होता है, आपको ही पता होगा, यहाँ पे आता है तो परफेक्ट होता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह का नॉलेज वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।